जिनमें स्कूल नौणी ने अपना 27वां वार्षिक समारोह का आयोजन किया। समारोह की अध्यक्षता खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने की। इस मौके पर विद्यार्थियों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं स्कूल की प्रधानाचार्य ने कार्यक्रम के दौरान स्कूल की उपलब्धियों की रिपोर्ट मुख्य अतिथि के समक्ष पढ़ी। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने शिक्षा और खेल क्षेत्र में अव्वल रहे विद्यार्थियों को पारितोषिक देकर सम्मानित किया और अन्य विद्यार्थियों को उनकी तरह बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए भी प्रेरित किया। खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने बताया कि चिन्मय स्कूल में पुरानी शिक्षा पद्धति के आधार पर नवीन तकनीक के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिसकी वजह विद्यार्थी अपनी पारंपरिक परंपराओं के साथ जुड़कर अपना सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस स्कूल के विद्यार्थियों ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि खेलों में भी स्कूल का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि जिस स्कूल में विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षा पद्धति का आधार मानकर मानव मूल्यों की जानकारी भी शिक्षा के साथ साथ दी जा रही है, जो एक सराहनीय कदम है। हैदराबाद में हुए एनकाउंटर में 4 बलात्कारियों की मौत पर सोलन भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई है। सबका ये मानना है कि जो ये घटना घटी है उसका पुलिस ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, जो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि अगर ये बलात्कारी बच जाते तो वे लचीले कानून का फायदा उठाकर समाज में और जघन्य अपराध कर सकते थे। ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसे अपराधी कानून की लंबी प्रक्रिया का फायदा उठाकर ऐसे अपराधों को बेखौफ होकर अंजाम देते हैं, जिस पर सख्त कानून लाना चाहिए ताकि इन पर नकेल कसी जा सके। पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप एवं भाजपा प्रवक्ता रितु सेठी ने कहा कि हैदराबाद में जो दिल दहला देने वाला अपराध हुआ है वे बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि चारों बलात्कारी आज भागने का प्रयास कर रहे थे, जिन पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है और ये उन्हें उचित सजा भी मिली है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अपराधों पर तब तक अंकुश नहीं लगाया जा सकता है जब तक देश में कानूनी प्रक्रिया तेज नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधों पर नकेल कसने के लिए निर्भया कानून तो बनाया गया है, लेकिन अभी तक ये पास नहीं हुआ है, इसलिए अपराधी दरिंदे इस बात का लाभ उठाकर दिल दहला देने वाली घटनाओं को अंजाम भी दे रहे हैं। सोलन के पुलिस लाइन में अपराध बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने की। इस मौके पर जिला सोलन के अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने जिला में हो रहे आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाने और कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि हर मामले की गंभीरता से जांच की जाए ताकि पीड़ितों को निष्पक्ष इंसाफ मिल सके। इस मौके पर जिला में बढ़ रहे साइबर क्राइम की घटनाओं को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई और इस पर नियंत्रण करने पर विचार विमर्श किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने बताया कि आज सेबी से आए अधिकारियों ने यहां उपस्थित अधिकारियों और व्यवसायियों को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी और बताया कि वे किस तरह से ऑनलाइन हो रहे फ्रॉड से बच सकते हैं। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि वे अपना पैसा कहां निवेश कर सकते हैं और कहां कहां उनको पैसा सुरक्षित रह सकता है। उन्होंने बताया कि इस मौके पर नशे को लेकर भी विचार विमर्श किया गया और लोगों और अधिकारियों को जागरूक करने का आग्रह भी। सेबी से आए अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि आजकल निरंतर साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे केवल जागरूक रहकर ही नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पहले तो साइबर क्राइम गली गलौज तक सीमित नहीं था, लेकिन अब लोग पैसा ऐंठने के लिए इसका भी उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले तो साइबर क्राइम गाली गलौज तक सीमित था, लेकिन अब लोग पैसा ऐंठने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, इसलिए देश के नागरिकों को चाहिए कि वे किसी भी तरह के बैंक अकाउंट नंबर और घर का पता किसी से भी साझा ना करें, अपने व्यक्तिगत जानकारी किसी को ना दें ताकि ऑनलाइन फ्रॉड से बचा जा सके।